बाबा मैंने बहुत मजबूरी में यह फैसला किया है। मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे, एक तो ये कि मैं उसे छोड़ दूं, दूसरा ये कि मैं उसकी जिद पूरी करके उसे एक दफा सुधरने का मौका दे दूं। सरमत बस भी कर दे, मैं कब से माफी मांग रही हूं आपसे। देखो सब, मुझे बहुत सा गुस्सा है, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज। मैं आप पे थोड़ी गुस्से कर रही थी, मैं तो अलिश्पा पे गुस्से हो रही थी। अलिश्पा पे गुस्सा कर रही थी और जो बदजबानी कर रही थी मेरे साथ, पता नहीं क्या क्या कहा मुझे तुमने, कितना जलील हुआ मैं तुम्हें पता है? पहले तो नहीं किया ना कभी ऐसा मैंने। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। अच्छा ना, आइंदा ख्याल रखूंगी। अम्मी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बेटा आ जाओ। वो मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो। अलिश्पा अलग रहना चाहती है, उसने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि वो सबके साथ नहीं रह सकती। देखा आपने, मैं आपसे कहती थी ना, ये लड़की मेरे बेटे को छीन लेगी मुझसे, मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर। खामोश रहो, बात करने दो मुझे। कैसे खामोश रहूं मैं तो इसके इरादे पहले ही भाप गई थी। खुदा गारत करे इस लड़की को, हमारे तो घर का सुकून ही खत्म कर दिया। तुमने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। अम्मी करने दो, उसने जो करना है, चंद रोज में उसे खुद पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, वो तो तुम्हें लेके चली जाएगी, तुम तो अब हमारे मरने पे ही आओगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि एक दफा उसके अलग रहने का शौक पूरा कर दूं, उसके अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। जो आराम चैन आसाइश हम सब के साथ है ना, मिलकर अकेले में उसे कभी नसीब नहीं होगा। इसका मतलब है तुमने अलग होने का फैसला कर लिया। बाबा मैंने बहुत मजबूरी में यह फैसला किया है। मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे, एक तो ये कि मैं उसे छोड़ दूं, दूसरा ये कि मैं उसकी जिद पूरी करके उसे एक दफा सुधरने का मौका दे दूं। अरे वो सुधरने वाली लगती है तुम्हें? अम्मी डोंट वरी, मैं हालात ही ऐसे पैदा कर दूंगा कि उसे खुद वापस आना पड़ेगा। देखिए जहां आप लोगों ने ऑलरेडी इतना सब्र कर लिया, प्लीज थोड़ा सा वक्त और दें, थोड़ा सा सब्र और कर लें। मेरा ख्याल है तुमने ठीक फैसला किया है। इससे पहले खानदान में तलखियां और बढ़ जाएं और बाकी घर वाले भी एक दूसरे का अदब लिहाज भूल जाएं, तुम अलीफा को लेकर यहां से चले ही जाओ, तो ज्यादा बेहतर है। मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं अलिश्पा की बदतमीजियों की वजह से। अच्छा बहरहाल, जैसे अलिश्पा कह रही है वैसे करो बस। लेकिन प्लीज और सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का यूट्यूब चैनल, अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।